है। दिस इज आवर यस मैम, कंटिन्यूएशन, ओके, यस कंटिन्यूएशन मैम, फॉर प्रीवियस लेक्चर विच वॉज स्ट्रेसेस इन रिजिड पेवमेंट। देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस दैट विल डेवलप इन अ पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। वन इज ड्यू टू लोडिंग, व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा हम लोग वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा है तुम्हारा स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक है तुम्हारा क्या, फ्रिक्स, एक जो हो चुका है दैट इज योर वार्पिंग और कर्लिंग स्ट्रेस, ओके, और दूसरा क्या यस है, मैम, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। नाउ दिस इज ड्यू टू सीजनल वेरिएशन। पिछले वाला जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस क्या बोलते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस, इट वाज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम लेयर ऑफ अ पेवमेंट स्लैब, ठीक है, मतलब कि पेवमेंट के अंदर ही टॉप और बॉटम के लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। नाउ आज का क्या है, दिस इज ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, मतलब कि स्लैब एज अ होल उसका एक टेम्परेचर रहेगा और आउटसाइड मतलब एटमोस्फियर का एक टेम्परेचर रहेगा, तो दोनों के बीच के डिफरेंस की वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, मतलब बाहर अगर ठंडा है तो क्या हो जाएगा, अगर बाहर का एटमोसफियर ज्यादा गर्म है कंपेयर टू द स्लैब देन क्या होता है, वो उसके वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। देखो तुमको ये फॉर्मूला अगर प्रॉब्लम दिया रहेगा फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालने के लिए तो क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। और तुमको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रह पाएगा देन यू कैन ऑल्सो डिराइव इट, वो भी हम दिखाएंगे कैसे ये डिराइवेशन हुआ है। एंड ऑल्सो प्लीज रिमेम्बर यहाँ पे जो जो यूनिट बोले हैं हम, ठीक है, सबका यस यूनिट याद रखना है, ठीक है, मतलब हो सकता है यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मीटर होगा, ठीक ओके है, मैम, तो मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर है मतलब यहाँ पे भी सेंटीमीटर करना नहीं है, ठीक है, तो मीटर जहाँ होगा, पे जैसा है, नहीं हाँ मतलब जो यहाँ पे यूनिट बोला गया है वही यूनिट हमको रखना है। जैसे कि देखो एस एफ क्या है तुम्हारा, एस एफ इज द स्ट्रेस, ठीक है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। लेकिन गामा सी क्या है, गामा सी इज द कॉन्क्रीट का यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी का क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम है फॉर्मूला, ठीक है, तो यही है, केजी पर मीटर क्यूब है, अब ये हम इसका क्या बोले थे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पर मीटर क्यूब है, लेकिन इसको वही बोल रहे, इसका गामा सी का यूनिट क्या हो जाएगा, एज पर दिस फॉर्मूला केजी पर मीटर क्यूब ही रखना है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है। एंड इफ नॉट गिवन दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट ऑफ अ कॉन्क्रीट विच इज 2400 केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज यू हैव टू रिमेम्बर दिस वैल्यू, ओके। ये तो वैसे भी तुम लोग को शायद पता ही होगा कंक्रीट में 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट का, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द स्लैब इन मीटर और स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है, हम क्या बोले थे, ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का स्पेसिंग को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्लैब, जो एलएक्स जो बोल रहे थे पिछले बार, जैसे ये वाला, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लैब, ये वाला अगर डिरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इस तरफ में है तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ है एंड ये वाला विड्थ है, ठीक है, एंड दिस जॉइंट एंड दिस जॉइंट आर द ट्रांसवर्स जॉइंट, तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का इंटरवल ये है, कितना गैप के बाद दूसरा जॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो स्पेसिंग बिटवीन द ट्रांसवर्स जॉइंट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्लैब, तो ये एक स्लैब हो गया तो इसका लेंथ ये है विच इज द स्पेसिंग ऑफ और इंटरवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ओके। तो एल वैसा भी दे सकता है, कभी तुमको लेंथ ऑफ द स्लैब बोलेगा या कभी बोलेगा स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विच इज कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द ट्रांसवर्स जॉइंट, ओके। एंड एफ इज व्हाट, दिस इज यस सी फ्रिक्शनल स्ट्रेस बोल रहे हैं, राइट, मतलब फ्रिक्शन कुछ काम आ रहा है, तो एफ इज योर कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब कि स्लैब और सबग्रेड जो स्लैब के नीचे जो माटी है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, दैट इज द उस कोफिशिएंट को हम लोग ये एफ से डिनोट किया है, इफ नॉट गिवन दिस इज द अजम्पशन, ओके, 1.5 शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ। देखो ये फॉर्मूला आइदर याद रखो रट लो जो भी है, या किसी किसी को याद नहीं रहता तो क्या करते, वी कैन इजीली डिराइव ऑल्सो, तो कैसे करें डिराइवेशन, ठीक है, तो पहले बोलो क्या होता है अगर तुम्हारा सपोज
विंटर के टाइम है, एक एग्जांपल लेते हैं, विंटर के टाइम में स्लैब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा ना एक्सपांशन करेगा, विंटर के टाइम कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन हाँ विंटर के टाइम में क्या होता है तुम्हारा, एटमोस्फेयरिक टेम्परेचर विल बी लेसर, राइट, ज्यादा ठंडा रहता है ना, तो समर से स्लैब लेसर होता का, है, समर सीजन से लेसर होता है, समर से ज्यादा होता है समर में। हाँ, तो क्या होता है उससे तुम्हारा कि एटमोस्फेरिक बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सटर्नली क्या कोशिश कर रहा है, स्लैब को कॉन्ट्रैक्शन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट नीचे क्या हो जाएगा, इंटरनली ये रेजिस्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करेगा ये इंटरनली स्लैब, ठीक है। कैसे, देखो कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ हो रहा है अंदर की तरफ, लेकिन इंटरनली इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन क्या है तुम्हारा, टेंशन, राइट, मतलब ये भी आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, ये भी आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, ओके। मेनली क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन में जिस तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या है, ये वाला एज अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो तुम जिस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हो, तुम्हारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट। गाड़ी या कोई भी एक चीज ऐसे तुम रब करते करते लेकर जा रहे हो, राइट, मूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो देखो ये नीचे देखो, अगर ये इस तरफ है तो फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो उसकी वजह से इसका जो अंदर में इंटीरियरली क्या हो रहा है, इंटीरियर में तुम्हारा ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है स्ट्रेस, ठीक है, इसी स्ट्रेस को बोलते हैं तुम्हारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस, मतलब एक्चुअली दिस इज नॉट द फ्रिक्शनल, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, ये है एक्चुअली स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज एस एफ, हमको यही एस एफ निकालने के लिए बोला गया है। देखो हम पिछले बार भी हम इंटरनल स्ट्रेस को पकड़े थे, आउटर से अलग कुछ होने का कोशिश कर रहे, लेकिन इंटरनल में क्या हो रहा है, इंटरनल में वो इंटीरियर में उसका ऑपोजिट रिएक्शन देने का कोशिश कर रहा है। वैसे देखो आउटर में ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनवर्ड की तरफ जाएगा, तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा, सो दिस इज द डायग्राम, ओके। अब यस मैम, बोलो कहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना कि एकदम सामने की तरफ ज्यादा होना चाहिए, फ्री टू मूव कौन सा पार्ट है, अंदर की तरफ। इंटीरियर, हाँ इंटीरियर तुम्हारा क्या है, फ्री टू मूव है ना कि एज वाला फ्री टू, कॉर्नर वाला फ्री टू मूव होगा, कॉर्नर वाला फ्री टू मूव होगा, राइट, मतलब फ्रीली इजीली वो मूव कर पाएगा, राइट, लेकिन जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होना स्टार्ट करता जाएगा, तो ये एस एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एक कॉर्नर में जीरो है वैल्यू, अब जैसे तुम इनर की तरफ, ये अगर लेंथ है या वाला एज है, तो यहाँ पे अब जैसे जैसे यू आर गोइंग इनसाइड, तुम्हारा एस एफ का वैल्यू देखो बढ़ रहा है, राइट, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, तो बढ़ के मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, व्हेन इट इज इन द मिडल पोर्शन, सो मैक्सिमम एस एफ विल ऑकर एट द सेंटर एंड मिनिमम एस एफ या नो एस एफ विल ऑकर एट द कॉर्नर्स, ओके, तो कॉर्नर्स में जीरो एस एफ होगा, और जैसे इंटीरियर की तरफ जाओगे ये एस एफ मैक्सिमम होता जाएगा, सेम इसके तरफ भी देखो, कॉर्नर में जीरो है, जैसे तुम इनर की तरफ जा रहे हो मतलब मिडल में पहुंच गए, L/2 में पहुंच गए, ये एस एफ देखो मैक्सिमम हो गया, ओके, तो ये याद रखना है। तो कॉर्नर एट कॉर्नर तीन तो क्रिटिकल पॉइंट हम बोले थे, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर पॉइंट बोले थे, राइट, इसमें भी अगर बोला गया इंटीरियर में क्या होगा, एज में क्या होगा, तो एक वैल्यू रहेगा, इंटीरियर एज में एस एफ का वैल्यू रहेगा, लेकिन एस एफ एट द कॉर्नर क्या हो जाएगा, एस एफ विल बी जीरो एट द कॉर्नर, ओके, एस एफ का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, ये वाला एज फ्रीली मूव करेगा इजिली, जैसा कि अंदर की तरफ और प्रेशर देना पड़ेगा मूव करने के लिए, लेकिन ये वाला फ्रीली मूव करेगा, तो ये फ्रीली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स विल बी जीरो, ये वाला फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्ट्रेस विल आल्सो बी जीरो, ओके, इसीलिए ये वाला जीरो है। अब जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो ये फोर्स ज्यादा होता होता जाएगा और एस एफ भी बढ़ता ही जा रहा है, ओके, सो दिस इज द फंडा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एस एफ क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एस एफ, यस मैम, एस एफ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, मतलब विंटर के टाइम में क्या होता है, पहले बोलो, विंटर के टाइम में ये स्लैब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सटर्नली ये कॉन्ट्रैक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इंटरनली ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट में होगा, तो ऑपोजिट वाला क्या है, स्ट्रेस है, कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको हम,
ये वाला स्ट्रेस क्या है, ये आउटवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है ना, टेंशन है, टेंशन टेंशन राइट। तो इन विंटर तुम्हारा एसएफ क्या हो जाता है, टेंशन होता है, ये याद रखना ठीक है। अब सिमिलरली उल्टा केस जब होता है, मतलब कि समर में क्या हो जाएगा, समर में इट विल ट्राई टू एक्सपैंड राइट, आउटवर्ड की तरफ एक्सपैंड करेगा, तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, अंदर में कॉन्ट्रैक्शन। हाँ वेरी गुड। सो इंट एक्चुअली हम लोग का कौन सा देखना है, एसएफ देखना है, बाहर का नहीं देखना है, एसएफ देखना है, तो ठीक है। तो एसएफ विल बी टेंशन ड्यूरिंग विंटर एंड एसएफ विल बी कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग समर, ये याद रखना है ओके। अब आते हैं कि इसका डिराइवेशन अगर कैसे करेंगे, सपोज दिस इज दैट एरिया, तो ये वाला का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्लैब, ये स्लैब तुम्हारा लेंथ ये है, देखो एल इधर है ठीक है, सो दिस इज ब्रेथ विच इज बी मीटर राइट, एंड लेंथ इज एल मीटर ओके। सो तो ये वाला क्या है, ये वाला है तुम्हारा बी, देखो ये वाला ये जो डायग्राम है, दिस इज बी एंड दिस इज योर थिकनेस ऑफ द पेवमेंट विच इज एच and it is in centimeter, ये याद रखना, b is in meter, l is in meter, h is in centimeter, okay? So ये वाला area कितना होगा? What is the area of this slice? इसको बोलते हैं resisting section, ये resisting section का area कितना है? ये कितना है? Area equals to क्या है? Length into breadth है ना? यहाँ पे इसका length कौन सा? ये वाला area का ये जो dash करके hash करके है, इसका length क्या है? ये वाला AB, AB कितना distance है? AB is equals to जितना स्लैब का विड्थ होगा उतना ये लेंथ है राइट, AB equals to विड्थ ऑफ द स्लैब, विड्थ ऑफ द स्लैब कितना बोले थे हम, B मीटर ठीक है, और ये वाला हाइट कितना है इसका, BC, BC is equals to into H, this is B, और ये AB जो है डिस्टेंस वो B है और BC डिस्टेंस है H. So B into H is the area, right? So the area of the resisting section, देखो B into H, okay? तो ये tensile stress जो है SF किस में act कर रहा है, ये वाला area में act कर रहा है, ठीक है? इस वाले area में act कर रहा है, याद रखो, ठीक है? So resisting section का area क्या बोले थे? B into H, B is in meter, H is in centimeter. So इसको हम एक ही unit में convert कर देते, तो B को हम अगर centimeter में convert करना है, तो क्या करना है? Multiply with 100. ये तो सेंटीमीटर में है, तो 100 bh is the area, 100 bh centimeter square is the area of this resisting section, okay? Now, once you know this area and you know this stress, ये वाला area कितना है? 100 into bh, right? ये area है इसका, b into h, b भी तुम्हारा मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो b into 100 into h, that is 100 bh is this area, and this is the stress sf, right? So, फिर force कितना होगा? फोर्स क्या होगा, तुमको स्ट्रेस पता है, तुमको एरिया पता है, सो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय एरिया, स्ट्रेस बाय एरिया होता है फोर्स, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ना, फोर्स बाय एरिया है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज एरिया इनटू सॉरी फोर्स इज एरिया इनटू स्ट्रेस राइट, फोर्स इनटू एरिया इनटू स्ट्रेस, हां फोर्स इनटू स्ट्रेस है राइट, सॉरी स्ट्रेस इनटू एरिया है, तो ये वाला देखो टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन रेजिस्टिंग सेक्शन क्या होगा, tensile stress into area of resisting section, tensile stress कौन सा है, SF है right, SF हम बोले थे unit कितना है, kg per centimeter square, इसीलिए इसको भी हम लोग area को भी centimeter square में convert कर दिए थे, देखो b into 100 into h centimeter square है right, so tensile force, tensile stress SF है, तो tensile corresponding tensile force होगा इतना, which is 100 b h into SF, okay, unit क्या हो जाएगा देखो centimeter square, ये बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दोनों इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट के यूनिट इज कमिंग टू बी केजी, सो टेंसाइल फोर्स अगर इसको हम टी से डिनोट करेंगे, तो टेंसाइल फोर्स इज दिस मच, ओके। अब आना क्या है कि ये टेंसाइल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये फोर्स की वजह से तो ये वाला टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है ना, तो इसीलिए दोनों का तो इक्वल होना चाहिए राइट, सो दिस टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। Now, frictional force, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, frictional force का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of frictional force? किसी को आता है? कोई एक बॉडी है सपोज, ठीक है, सपोज कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नॉर्मल वेट है तुम्हारा W, सॉरी सेल्फ वेट है W, और नॉर्मल रिएक्शन इसका है तुम्हारा N, ठीक है,
ये इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? इस तरफ एक्ट करेगा, राइट? सो ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसका इस वाले का तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? म्यू या एफ होता है इनटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट? म्यू एन, एफ इक्वल्स टू म्यू एन था, म्यू को यहाँ पे हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, ओके? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. नाउ इस फ्री बॉडी डायग्राम से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या है? वेट है, राइट? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू वेट. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F into W, capital frictional force is equals to coefficient of friction into self weight, लिख सकते हैं ना हम? Yes ma'am. तो वैसे इस वाले, अब ये वाला ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये को हटा के, इसको हटा के अब ये वाला ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है? तो ये वाला ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा? पहले बोलो ये वाला ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है? हम ये कौन सा स्लैब कौन सा ले रहे हैं? स्लैब का हाफ पोर्शन ले रहे हैं, ओके? हाफ पोर्शन मतलब ये वाला, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हम ले रहे हैं, वो दूसरा हाफ हटा दो, ये हाफ लेंगे हम, ठीक है? ये वाला पोर्शन, तो इस हाफ वाले पोर्शन को हम इधर ले लिए, देखो, ठीक है? अब यहाँ से ये हाफ पोर्शन का हमको क्या चाहिए? वेट चाहिए, ठीक है? और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस हाफ ऑफ द स्लैब. देखो फ्रिक्शनल फोर्स एट द बॉटम व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस हाफ ऑफ द स्लैब, ओके? तो ये देखो F इज इक्वल्स टू क्या था? स्मॉल F इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट ऑफ हाफ स्लैब, ये जो वेट है, ठीक है? यहां पे वेट ऑफ हाफ स्लैब. नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ हाफ स्लैब, कैसे आएगा? कोई भी अगर ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, राइट? क्यूब का तुमको वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे वेट? अगर तुमको वॉल्यूम पता है तो वेट और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है? या वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, बोलो? वेट वॉल्यूम और डेंसिटी का एक रिलेशन है, तो क्या है डेंसिटी का रिलेशन क्या है वॉल्यूम और वेट के साथ? डेंसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय, डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला? मैम मास बाय वॉल्यूम. हाँ तो बोलो, सपोज डेंसिटी को हम गामा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? मास हम लोग यहाँ पे सपोज बोल रहे हैं कि वेट ले रहे हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? सो तुम्हारा वेट इक्वल्स टू क्या है? वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू गामा, राइट? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम लोग कर सकते हैं, यही किया, देखो दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे यूनिट वेट ले रहे हैं, ओके? गामा सी विच इज द कॉन्क्रीट का यूनिट वेट इन केजी पर मीटर क्यूब. अगर ये मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम विल ऑल्सो बी इन मीटर क्यूब, ठीक है? देखो वेट इज इक्वल टू क्या था? वॉल्यूम विच इज दिस वन, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, एंड दिस इज गामा सी, ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ द हाफ ऑफ द स्लैब क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू डेप्थ या हाइट. लेंथ है तुम्हारा L by 2 मीटर, ठीक है, मीटर में है. ब्रेड है तुम्हारा कितना? B मीटर. ब्रेड इज B मीटर, ठीक है, ये भी मीटर में है. लेकिन हाइट इज इन सेंटीमीटर, ठीक है? तुम्हारा डेंसिटी का यूनिट है पर मीटर क्यूब, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो इसलिए देखो L by 2 मीटर में है, B भी मीटर में है, H सेंटीमीटर में था, उसको बाय 100 करके मीटर में कर दिया, तो टोटल यूनिट विल बी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, ओके? So kg by meter cube into meter cube, this is unitless, so total weight kya ho jayega, ye F ka unit kya ho jayega? kg ho jayega, okay? So F is equals to ye wala sab, theek hai? Itna kg. To ab hum to jante hain, hum to bole the ki ye SF se jo bhi frictional tensile force develop ho raha hai, that must be equals to this frictional force, right? To dekho tensile force ye hai, फ्रिक्शनल फोर्स ये है. नाउ इक्विवेलेंट करने के लिए दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों को इक्वेट करना है, ओके? दिस इज इन केजी, दिस इज आल्सो इन केजी, ठीक है? तो यहां से हमको एसएफ का फॉर्मूला निकालना है, ओके? व्हिच इज दिस वन. तो देखो यहां पे अगर सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पे बी कट जाएगा, एच कट जाएगा, राइट? तो सब करने के बाद देखो एसएफ इज कमिंग आउट टू बी ये वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले दिखाए थे क्लास के स्टार्टिंग में. तो F into L into gamma C by 2 into 10 to the power 4. इसीलिए हम बोले हैं कि इस वाले में जो भी जैसा भी यूनिट है बोलेगा वही रखना है, ओके?
कन्वर्ट कुछ नहीं करना। देखो एच ये जो भी है ये वाला इन सेंटीमीटर में ही है, इसको हम लोग कन्वर्ट करके ये 100 यहाँ पे भी 100 ये सब आया है। ओके सो यहाँ पे देखो SF इज इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, L इज इन मीटर, ठीक है, गामा सी इज इन केजी पर मीटर क्यूब, F नहीं गिवन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ नॉट गिवन इट इज 1.5। ओके अगर गामा सी भी नहीं दिया है तो 2400 केजी पर मीटर क्यूब है यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट डिवाइडेड बाय 2 × 10^4। ओके एंड यही है तुम्हारा, एज आई सेड ये तो टेंसाइल फोर्स है, राइट, कॉन्क्रीट इज ये क्या है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द या डेवलप इन द कॉन्क्रीट। ओके मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स 0.8 ये होता है इन जनरल। ओके तो अब आते हैं नेचर में, ये तो फॉर्मूला हो गया, तुमको डिराइव भी कर सकते हो और यू कैन जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। ओके एंड प्लीज रिमेम्बर द यूनिट ऑल्सो, ठीक है। तो एस एफ का अब हम बोले थे इट विल बी जीरो एट द कॉर्नर, ठीक है, और एज और सेंटर एज और इंटीरियर में कुछ वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव कुछ वैल्यू रहेगा एस एफ का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं नेचर में, नेचर मतलब क्या, ये कब नेगेटिव होगा, एम कब कंप्रेसिव होगा या नेचर में होगा या कब टेंसाइल होगा, ठीक है। हम बोले थे ड्यूरिंग समर एस एफ इज कंप्रेसिव, कैसे, समर में देखो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू द स्लैब तो ये एक्सपैंड होने का कोशिश करेगा। अब एक्सपेंशन होने से मूवमेंट कहाँ पे जाने का कोशिश करेगा, ये स्लैब का मूवमेंट आउटवर्ड की तरफ, तो ठीक है, तो आउटवर्ड की तरफ अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी एक्टिंग इन द अपोजिट डिरेक्शन। ओके तो उसकी वजह से एस एफ तुम्हारा इंटीरियर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो देखो ये कंप्रेसिव इन नेचर है, तो समर में एक्सपेंशन हो रहा है विच इज आउटवर्ड, तो एस एफ विल बी इनवर्ड, मतलब कंप्रेसिव टाइप का होगा नेचर, ठीक है। और वैसे विंटर में क्या बोले थे, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो लेकिन उसका अंदर टेंशन होगा, हाँ ठीक है, ये नेचर याद रखना है, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं बाद में बोलेंगे। ओके नाउ कम्स द प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं, लेट अस सी। देखो द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ऑफ अ सीसी पेवमेंट, ओके द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ऑफ अ सीसी पेवमेंट बोल दिया है इज 4.2 meters। ओके डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप, मतलब एस एफ बोल रहा है, ठीक है, डेवलप इन द पेवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ द पेवमेंट एंड द सपोर्टिंग लेयर इज 1.1, ठीक है। बाकी डाटा अज्यूम करने के लिए बोला गया है। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस 4.2, ये 4.2 क्या दिया गया है और ये 1.1 क्या दिया गया, मीटर, अरे 4.2 तो मीटर है लेकिन है क्या ये, कौन सा वैल्यू रहेगा, ये जो फॉर्मूला है एस एफ, हमको बोला एस एफ, ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, इन कॉन्क्रीट पेमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, कौन सा वैल्यू दिया है, ये वाला फॉर्मूला देखकर बोलो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है। सी स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ऑफ अ सीसी पेवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग है 4.2, तो ये क्या है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस वैल्यू, इस वाले फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू दिया है, 4.2 कौन सा होगा इन दिस फॉर्मूला, 4.2 तुम किसके जगह पर पुट करोगे, एसएफ, एसएफ तो निकालने के लिए बोला गया है, हमको फ्रिक्शनल फोर्स तो स्ट्रेस तो निकालने के लिए बोला गया है, दिस इज अननोन, तो स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम क्या बोले थे, स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखो क्या बोले थे, देखो ये है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, इसके बीच का स्पेसिंग बोला है, मतलब ये जो लेंथ है ये है तुम्हारा 4.2, ठीक है। अब ये वाला स्लैब को उठा के हम लोग दिखा रहे ऐसा, एक स्लैब को उठा के दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, देखो ये है वो वाला, और अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होगा, जहाँ पे स्लैब का लेंथ खत्म वहां पे जॉइंट स्टार्ट, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, तो बोले दोनों जॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा 4.2, मतलब कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पे, वो वाला किस चीज से डिनोट किया, L, right? So L is given as 4.2, ठीक है? और coefficient of friction is 1.1, that is small L. Yes, ma'am. तो निकालो SF का वैल्यू कितना है, निकालो L दिया है तुम्हारा कितना 4.2, F दिया है 1.1, तो they have asked you to determine SF, निकालो L is 4.2, F is 1.1, what is the value of SF?
कितना रह कर सकता, कर कितना यूनिट क्या होगा बोलना, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द गामा सी, देखो एल पता है, एफ दिया है, व्हाट इज गामा सी, गामा सी इज द यूनिट वेट यूनिट वेट ऑफ इट इज नॉट गिवन, एज्यूम करने के लिए बोला है, तो हम लोग बोले थे एज्यूम कितना होगा 2400 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये केजी पर मीटर क्यूब में रखना है इसको, सेंटीमीटर में मत करना, ठीक है। यस मैम। और इसका यूनिट विल बी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो हाउ मच वैल्यू आ रहा है, एस एफ इक्वल्स टू 1.1 इंटू 4.2 इंटू 2400 बाई 2 इंटू 10^4 मैम, 0.5544। हाँ, सो दिस मच केजी पर सेंटीमीटर इज द आंसर। देखो छोटू सा है, ठीक है, हम ये अलग अलग क्यों करा रहे हैं, लेकिन तुमको ऐसे अलग अलग नहीं देगा, तुमको तीन ठो एक साथ दे देगा, बोलेगा अब इन लोग का क्रिटिकल कॉम्बिनेशन निकालो, वही हम लोग देखेंगे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ओके। तो बिफोर डूइंग दैट वी मस्ट नो द नेचर, बार बार हम बोलते हैं कि नेचर याद रखो, कब कंप्रेसिव होगा कब टेंशन होगा। देखो जब विल लोड ड्यू टू लोड स्ट्रेस होगा, जब ड्यू टू लोडिंग टॉप में क्या बोले थे हम, टॉप में हो जाएगा देखो कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, ठीक है। ये हॉगिंग सैगिंग हो रहा है, तो सैगिंग वजह से टॉप में कंप्रेशन नीचे टेंशन, ठीक है। ये है फॉर एज एंड इंटीरियर, लेकिन कॉर्नर में उल्टा हो जाएगा, टॉप में टेंशन नीचे कंप्रेशन, ये याद रखना है, ओके। कॉर्नर में एज और इंटीरियर में ऐसा नेचर है, और कॉर्नर में ये नेचर, ये किसके लिए, स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग के लिए। सेकेंड लोडिंग क्या था, सेकेंड स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर, विच इज द वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वार्पिंग स्ट्रेस हम बोले थे जब ड्यूरिंग डे क्या होता है, ड्यूरिंग डे ऐसा होता है वार्प डाउन कंडीशन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग डे में। तो वार्प डाउन होने से ऊपर टेंडेंसी करेगा टेंशन खींचा, मतलब टेंशन देने का, लेकिन इंटीरियर में क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट एक्ट करेगा स्ट्रेस, राइट। सो बिकॉज ऑफ द वेट, सेल्फ वेट की वजह से ये टेंशन को मतलब टैकल करने का कोशिश करेगा, तो टेंशन को टैकल कौन करेगा, कंप्रेशन करेगा। अब नीचे कंप्रेशन है तो नीचे क्या हो जाएगा, लेयर में आउटवर्ड बाहर से कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेट ये टेंशन क्रिएट करेगा नीचे, ठीक है। तो नेचर क्या है तुम्हारा, ड्यूरिंग द डे इट इज कंप्रेशन एट द टॉप एंड टेंशन एट द बॉटम, ठीक, ड्यूरिंग नाइट में उल्टा हो जाएगा, ओके। देखो ये ऐसा है, ओके, सो वर्क डाउन कंडीशन वर्क अप कंडीशन, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन क्या था, एस एफ तो हम बोले थे कॉर्नर में जीरो है, और ड्यूरिंग समर एस एफ कंप्रेसिव होगा, हम समझा दिए क्यों होता है, क्योंकि समर में एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन मतलब आउटवर्ड, तो भीतर की तरफ ये एक्ट करेगा, टेंशन होगा, ठीक है। तो वैसे ही विंटर में ये टेंसाइल हो जाएगा, तो ये है तुम्हारा फंडा, ठीक है। अब हम टेंसाइल को टी से डिनोट करेंगे, कंप्रेशन को सी से करेंगे, ठीक है। तो अब क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में आते, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन मतलब वर्स्ट कॉम्बिनेशन कब होता है, ठीक है। तो सी इज कंप्रेशन, टी इज टेंशन, ठीक है। अब ऐसा हम लोग चार्ट बनाएंगे, फर्स्ट में क्या बनाओगे, फर्स्ट में देखो टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, इंटीरियर के लिए, एज के लिए, कॉर्नर के लिए, ऐसा अलग अलग हम कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब ये इंटीरियर के लिए टॉप बॉटम हुआ, एज के लिए टॉप बॉटम, कॉर्नर के लिए टॉप और बॉटम लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या जाएगा, लोड स्ट्रेस, मतलब ड्यू टू लोडिंग की वजह से, ठीक है। फिर आएगा वार्पिंग स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस को हम लोग तीन तो है, एज इंटीरियर कॉर्नर एक है, ठीक है, इंटीरियर एज कॉर्नर तो हो गया। वार्पिंग स्ट्रेस को हम एस टी से डिनोट करते हैं, एक है डे का एक है नाइट का, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेस हम बोले थे टॉप बॉटम में होगा, वही टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम ऐसे, ठीक है, नाइट में भी वैसे ही कंडीशन। फ्रिक्शनल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल एज अ होल, टॉप बॉटम कुछ बोल के ऐसा नहीं है, एज अ होल पूरा बॉडी में, देखो ये पूरा बॉडी में टेंशन होगा या पूरा बॉडी में तुम्हारा कंप्रेशन होगा, ठीक है। ऊपर जो होगा नीचे भी वही होगा, फ्रिक्शन का भी समर विंटर, हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन किस वजह से होता है, समर मतलब टेम्परेचर चेंज डिफरेंस बिटवीन मतलब स्लैब एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब वो समर विंटर सीजनल की वजह से हो रहा है, और ये वाला वार्पिंग होता है डे नाइट में, ठीक है। इसमें अब वर्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, तो बोलो इंटीरियर में टॉप में हम क्या बोले थे, लोड स्ट्रेस, लोड की वजह से टॉप में क्या हो रहा है इंटीरियर में, देखो लोड की वजह से ड्यू टू लोडिंग एट इंटीरियर टॉप में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बॉटम टेंशन हो रहा है, ठीक है। तो वो हम इधर लिख दिए, देखो टॉप में सी हो रहा है, बॉटम में टेंशन हो रहा है, ठीक है। एज में भी वैसा ही है, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन,
लेकिन कॉर्नर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टेंशन कंप्रेशन, ये कैसे किया समझ में आ गया, राइट। अब आते हैं वर्पिंग स्ट्रेस में। चलो वर्पिंग स्ट्रेस में भी देखो डे नाइट है, अब चलते वर्पिंग स्ट्रेस डे नाइट, ठीक है। जैसे ये वाला डे में क्या बोला है, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, ठीक है। देखो डे में क्या है, टॉप में कंप्रेशन है तुम्हारा, बॉटम में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो वही कर देते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या, देखो डे में टॉप में कंप्रेशन तुम्हारा, नाइट में क्या है सॉरी बॉटम में टेंशन, वही कंप्रेशन टॉप में फिर बॉटम में टेंशन, एज में भी वही, तुम्हारा कॉर्नर में भी वही, सब सेम है, ठीक है। अब नाइट में देखो, नाइट में क्या हो रहा है, नाइट में टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन, ठीक है। तो टॉप में टी बॉटम में सी, सबके लिए सेम है, टॉप में टी बॉटम के लिए सी, ठीक है। देखो टॉप में टी बॉटम में सी, इतना दूर तक क्लियर है ना, ये सब कैसे आ रहा है। अब आते फ्रिक्शन में, क्या बोले थे फ्रिक्शन में क्या होता है, बोलो एसएफ क्या हुआ। अब ये इंटीरियर एज सबके लिए, पहले बोलो फ्रिक्शन एट द कॉर्नर क्या होना चाहिए, कुछ फ्रिक्शन स्ट्रेस नहीं होता है, जीरो होता है। तो देखो जीरो 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 कर दिया, समर हो या विंटर हो, हर केस में कॉर्नर में जीरो जीरो ही रहता है, ओके। लेकिन क्या हो जाता है देखो, इंटीरियर और एज में क्या हो जाता है, समर में क्या बोले थे, समर में क्या कर रहा है, एक्सपांस कर रहा है, ये वाला टेंशन है, कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव है, राइट। ड्यूरिंग समर एसएफ इज कंप्रेसिव, तो देखो समर में इंटीरियर एज दोनों में कंप्रेसिव कंप्रेसिव दोनों लेयर में, लेकिन कॉर्नर में कोई फोर्स नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, इसलिए जीरो जीरो। तो वैसे सम विंटर में ये टेंशन टेंशन टेंशन, फिर जीरो जीरो, कॉर्नर में कोई नहीं है, ठीक है। अब वर्स्ट कॉम्बिनेशन कब होगा ये पहले बोलो। कॉन्क्रीट हम लोग क्या डिजाइन कर रहे, कॉन्क्रीट कर रहे, स्लैब तो कॉन्क्रीट से बन रहा है ना, तो कॉन्क्रीट इज वीक इन कौन सा, टेंशन ना कंप्रेशन। कॉन्क्रीट किस चीज में वीक रहता है, टेंशन कंप्रेशन, कंप्रेशन वीक रहता है, कंप्रेशन में ना टेंशन, टेंशन वीक, कंप्रेशन स्ट्रांग, टेंशन में वीक रहता है। तो वर्स्ट कब होता है, जब ज्यादा टेंशन उसके ऊपर आ जाता है, तब देखना उसका वर्स्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। वो नहीं ले पाएगा, तो वो वर्स्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा ना, वो फोर्स सब अगर ये सब स्ट्रेस हम ऐड करेंगे तो वो उसके लिए ज्यादा टेंशन वाला बात हो जाएगा। इसीलिए क्या देखो, टेंशन 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 को हम मार्क किए हैं, राइट। तो टॉप में देखो, टॉप पे मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, ये वाला सबको ऐड करने से भी जाके देखोगे तो कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव है, दो ठो टेंशन है। लेकिन बॉटम में देखो कितना टेंशन है, तीन ठो टेंशन, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही टफ है, राइट। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, सबको नहीं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ही देखना है, ठीक है। तो ये वाला का क्या रहेगा, तीन ठो को हम ऐड करेंगे, फ्रिक्शन लोड वर्पिंग स्ट्रेस हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो लोड के लिए कहाँ पे टेंशन है, बॉटम में टेंशन है, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है। वर्पिंग स्ट्रेस नाइट में या डे में कब वो आ रहा है, तुम्हारा टेंशन आ रहा है बॉटम में, अगर लेंगे तो टेंशन इसमें डे में आ रहा है, ठीक है। सो लोड का ये वाला ऐड, वर्पिंग स्ट्रेस का ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला नहीं जाएगा तब, ठीक है, ये वाला मोस्ट क्रिटिकल होगा। अब सीजनल में चलते हैं, सीजनल मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस देखो विंटर में इफेक्ट कर रहा है, विंटर में ये वाला क्या हो रहा है, देखो टी हो जा रहा है, ठीक है, टी। तो क्या हो जाएगा, विंटर के टाइम में दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम इसको पॉजिटिव स्ट्रेस पकड़ रहे हैं, ओके। टी को पॉजिटिव पकड़ेंगे, कंप्रेशन को नेगेटिव पकड़ेंगे। तो देखो इन विंटर क्या हो रहा है, तीनों का एडिशन हो रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। वेयर एज इन समर क्या हो जा रहा है, देखो समर में तो ये लोड भी आएगा तो ये एड करना है, वर्पिंग स्ट्रेस डे में ही क्रिटिकल है, ठीक है, डे में ही कर रहे हैं, लेकिन समर में टेंशन नहीं आ रहा है, समर में कॉम्प्रेशन हो जा रहा है बॉटम लेयर में, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, तक समर में दिस प्लस दिस, अब क्या होगा, माइनस होगा ना प्लस होगा, माइनस होगा, क्योंकि कंप्रेसिव है ना, हमको तो ये वाला ऐड करना है, समर में ये वाला ऐड करना था, सॉरी विंटर में ये वाला ऐड करना था दोनों के साथ, और समर में दोनों के साथ ये वाला ऐड करेंगे, विच इज कंप्रेसिव। हम बोले थे टेंशन को सब हम पॉजिटिव पकड़ रहे हैं और कंप्रेशन को हम नेगेटिव पकड़ रहे थे, इसलिए देखो ये माइनस एस एफ आ रहा है, ओके। फ्रिक्शन तो इस वाला का नेगेटिव पकड़ेंगे, तो ये दो कंडीशन हो गए एक, ठीक है। वैसे ही सेम देखो, इसका भी बॉटम में ज्यादा टेंशन आ रहा है तो हम बॉटम लेयर को ही पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसका भी कॉम्बिनेशन निकालेंगे, एक विंटर एक समर का, ठीक है। तो विंटर में क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
विंटर में टेंशन आ रहा है तो ये एडिशन हो जाएगा, और समर में क्या आएगा दिस, मतलब समर हो विंटर हो तुम्हारा क्या है डे नाइट तो चलता ही रहता है और लोड भी आता ही रहता है, तो ये दोनों तो फिक्स्ड है, ठीक है, सिर्फ ये वाला चेंज होता रहेगा, समर में कुछ और होगा विंटर में कुछ और होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर से माइनस, जब समर करेंगे तो देखो ये वाला पकड़ना है, विंटर करेंगे तो ये वाला पकड़ेंगे, ठीक है। टीटीटी है तो पॉजिटिव सबके सब प्लस है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नर में, कॉर्नर में देखो कहाँ पे ज्यादा टेंशन है, टॉप में है या बॉटम में है, टॉप में है तो हम टॉप का कंडीशन पकड़ेंगे, ठीक है। तो टॉप का क्या है, लोड का तो टेंशन है ही, ठीक है, और नाइट के टाइम में टेंशन आ रहा है, दिन में कंप्रेसिव हो रहा चलेगा ले लेगा, लेकिन नाइट के टाइम में वो टेंशन आ जा रहा है, राइट, उसके ऊपर वो टेंशन नहीं ले सकता है कॉन्क्रीट, तो ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो एट द टॉप ड्यूरिंग इन द कॉर्नर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एस सी प्लस एस टी सी हो जाएगा, ओके क्लियर ये वाला, यस मैम, ठीक है। तो तुमको बेसिकली देखना, देखो कितना सारा कॉम्बिनेशन है, ये 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 पांच टू कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दोनों देखो अप्रोक्स मतलब फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि एज में तुम्हारा ड्यू टू लोडिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाता है कंपेयर टू द एस आई, मतलब इंटीरियर पोजिशन इंटीरियर पॉइंट में जो स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू लोडिंग तुम्हारा एज में वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो हम क्रिटिकल कॉम्बिनेशन किसको पकड़ सकते हैं, एट द एज, ये दोनों कॉर्नर का तो एक ही इक्वेशन है तो यही पकड़ेंगे, ठीक है। उस हिसाब से देखो समर मिड डे ये वाला क्रिटिकल आ रहा है, देखो समर, ठीक है, ये ड्यूरिंग समर है और ये वाला कौन सा पकड़े है मिड डे, डे में, मिड डे मैम, यस मैम, डे, राइट, इसलिए समर मिड डे में एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन आ रहा है, वैसे विंटर मिड डे में एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो ये भी सेम है, ये वाला कब है तुम्हारा मिड डे में, ये भी डे वाले में है, राइट, डे, और लेकिन ये वाला विंटर में है, ठीक है। तो विंटर मिड डे में देखो ये वाला फॉर्मूला, विंटर मिड डे में ये वाला फॉर्मूला, समर मिड डे में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और कॉर्नर में ये वाला फॉर्मूला है, कॉर्नर का क्या है मिड नाइट, क्योंकि ये नाइट का पकड़ रहे हैं, ये वाला देखो ये नाइट में इफेक्ट कर रहा है, टॉप में नाइट में, डे का नहीं पकड़ रहे हम, सो मिडनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन कॉर्नर इज एस सी प्लस एस टी ई, सो ये वाला तुम लोग का थ्योरी आता ही है, ठीक है। दे विल आस्क एज अ शॉर्ट नोट ये रहता है कि राइट डाउन द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, मतलब यही ये लिखना है, ये तीन ठो हमको दिखाना है, और एमसीक्यूज में भी आता है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग समर मिड डे क्या है, तीन तो ये दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब लोड प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। यस मैम। विंटर मिड डे में क्या बोलेगा, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, लोड स्ट्रेस प्लस तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके। कॉर्नर में क्या हो जाएगा, लोड स्ट्रेस एट कॉर्नर प्लस फ्रिक्शनल, सॉरी क्या बोलते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर, ओके। तो ये सब MCQs में आएगा, so you have to remember this, मतलब summer midday ये भी याद रखना, winter midday ये भी याद रखना, and the formula also, okay? Okay, yes ma'am. And based on this only, यहाँ पे एक अगर तुमको ऐसा टाइप का प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम नहीं MCQs ही आ सकता है, राइट, इन तुम्हारा गेट वेट बोलो इसमें, देखो ऐसा टाइप का ये पूरा देखो दे दिया है, पूरा लोड स्ट्रेस दे दिया है, कॉर्नर में कितना एज में कितना है, अब बोलेगा तुमको मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन दिए हैं, देख लेना है तीनों में से जो ज्यादा होगा वो होगा तुम्हारा मोस्ट क्रिटिकल, ओके। यस मैम। आई थिंक थोड़ा ये पढ़ना है, ये वाला टेबल देखना है, ओके, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस जब बोलता है तो ये टेबल देखना है और ये फॉर्मूलाज ये याद रखना है, ओके मैम। ओके तो फिर ठीक है, एनी डाउट? नो मैम, मैंने पीडीएफ दिया हुआ है ना, पीडीएफ तो दिया है लेकिन तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, ठीक है, तो फिर ठीक है, ओके देन, थैंक यू मैम। 11 जन हुआ ना।